कितना होगा लेक्चर नंबर देखो, लेक्चर नंबर कितना होगा देखिए, है ना। एमओडी का लेक्चर नंबर शायद 8 होगा, 8 या 9 कुछ होगा, जो भी होगा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एमओडी, ओके, एमओडी लेक्चर नंबर 8 लिख लेना, लेक्चर नंबर 8। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। मैंने एनसीईआरटी में काफ़ी हद तक क्वेश्चन कर दिया था, एक दो क्वेश्चन और छोड़ा था, वो भी कर देते हैं, ठीक है। हाँ, देखो मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ा था, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें था वाई बराबर में कॉस एक्स क्यू, क्या था वाई बराबर में कॉस एक्स क्यू और इनटू में था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर यू इंटू भी रूल लगेगा, पहले मैं आपको यू इंटू भी समझा देता हूँ रूल क्या होता है। यू इंटू वी होता है कि जैसे मान लो कि यू इंटू वी का तुमको डिफरेंशिएट करना पड़े, तो पहले क्या करो, किसी का पहले डिफरेंशिएट कर दो। जैसे मैंने पहले क्या किया, यू को रोक दिया, डिफरेंशिएट कर दिया वी का, और फिर अगली बार में वी को रोको और किसका डिफरेंशिएट कर दो, यू का। ऐसे करते हैं, यानी यू इंटू वी का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक को रोकना है और एक का डिफरेंशिएट, और प्लस फिर जिसका डिफरेंशिएट हो चुका है उसका नहीं करना, जिसका नहीं हुआ उसका करना है, ठीक है। तो इसमें हम भी वही लगाएंगे u into v। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, माने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिर चालू हो गया d बाय dx, इधर हो गया y, इधर भी हो गया d बाय dx, अंदर में जो सब है लिखो, अंदर में कौन कौन है, cos x क्यू इंटू कितना साइन स्क्वायर x पावर 5। अब आपका काम है कि एक को रोको एक का डिफरेंशिएट। जैसे मैंने क्या किया, कॉस क्यू का डिफरेंशिएट नहीं किया, इसको छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएट कर दिया, किसका, साइन स्क्वायर का पावर 5। फिर प्लस प्लस अगली बार क्या करोगे, अगली बार ये रुकेगा कौन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और डी बाई डी एक्स इसका होगा, डी बाई डी एक्स होगा कॉस एक्स क्यू का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये लगा दिया मैंने यू इंटू वी रूल, है ना। अच्छा, अब आगे कॉस एक्स क्यू तो साइलेंट हो जाएगा, इसके लिए कुछ करना ही नहीं मेरे को, अब इसका डिफरेंट करना है। अब सर इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखो दो बातें हैं, हमने सिखाया आपको सबसे पहले डिफरेंट किसका करना है, पावर का, तो ये लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर किसी ने ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको अपने आप समझना है कि ये लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये सर ये एक्स की पावर 5 है, तो पहले साइन स्क्वायर का करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन एक्स, पहले पावर का, मान लो अंदर एक्स है, मैंने बोला है कि अंदर कुछ भी जाए ब्रैकेट में समझ लो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, उसी तरह साइन स्क्वायर का 2 साइन, और फिर साइन का कॉस। माना हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी साइन स्क्वायर आएगा, जब भी क्या आएगा साइन स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो क्या लगता है ये साइन स्क्वायर ही तो है, वो पावर का बाद में निपट लेंगे, ये तो साइन स्क्वायर ही है ना, तो इसका डिफरेंशिएट होगा 2 sin x की पावर 5 कॉस एक्स की पावर, अभी तक साइन स्क्वायर का हुआ, अब एक्स की पावर 5 का भी करो, एक्स की पावर 5 का जो डिफरेंशिएट होगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ तक पहले पावर का हुआ, पावर का करेंगे तो 2 sin x और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, और एक्स के सब ये बटे ये लिखो, ठीक है। क्या क्या देखो, इसके आगे क्या करना है, प्लस अब की बार साइलेंट कौन रहेगा, ये कौन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये रह गया साइलेंट, ठीक है।
ठीक है, और अपन इसका डिफिनेशन करना है। देखो सबसे पहले किसका करना है, कॉस का। यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ कुछ होता तब पावर, देखो यहाँ होता तब पावर होता है, यहाँ कोई पावर नहीं। पहले साइन कॉस का करो, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू साइलेंट और फिर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। और चाहो तो आप इसको सजा के लिख दो, इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और जब तुम इसको सजा के लिखोगे तो यहाँ देखो 5 × 10 × 4 और ये बन गया कॉस एक्स क्यू और फिर बन गया साइन का पावर एक्स ओवर 5। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ से हो जाएगा पहले 3x स्क्वायर और फिर हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और फिर हो जाएगा साइन एक्स क्यू, ठीक है ऐसे। तो ये हो गया आपका यू इंटू बी पे जो एक क्वेश्चन मिला था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, जरा वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर कितना लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 7। 7 में क्या दिया है, वाई बराबर में 2 फिर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में ना, अब ध्यान से देखो, रूट है, 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से इसको पहले देखो, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लिए, टू तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये अंदर जो है वो रूट एक्स है। रूट एक्स का डिफरेंट बोलो 1/2 रूट एक्स, यही होता है ना। अब अंदर चलो, अंदर कौन है, कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह कौन है एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 ख़त्म। ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स और इधर से चल रहा है मल्टीप्लाई में 2x डिवाइड बाई अंडर रूट कॉट स्क्वायर। देखो एनसीईआरटी में इसका आंसर अलग है, ठीक है, तो आपको आंसर के लिए नहीं लड़ना है, आंसर छोड़ो, जो भी एनसीईआरटी में मतलब नहीं है, बस आपको बोर्ड में इतना कर देना है, हो गया। आगे एनसीईआरटी में सॉल्व करोगे इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर सॉल्व करोगे इसको, तो वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक फंक्शन है जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या नाम है उसका, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैं देखो ये दिखाता हूँ, एक्स इंटू वाई इक्वल टू किसी ने दे दिया 1, तो ये अपने आप इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर एक्स वाई एक साथ आ जाए ना, तो ये अपने आप में कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट कौन फंक्शन है अपने आप में। लेकिन जिस दिन आपने वाई बराबर एक्स लग दिया, माना वाई अलग एक्स अलग हो गया, तो इसका नाम हो गया एक्सप्लिसिट। क्या नाम हो गया इसका, एक्सप्लिसिट। जैसे और भी देखो, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, दूसरा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, माना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ है, तो ये अपने आप में कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इम्प्लिसिट। लेकिन जैसे तुम इसको लिख दोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कौन सा फंक्शन, एक्सप्लिसिट, माना जिसको हम एक्सप्लिसिट कर दें, माना अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दोगे तो वो एक्सप्लिसिट बन जाएगा और एक साथ रहेगा तो इम्प्लिसिट हो जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे डिफरेंशिएशन। आगे हम जो टाइटल पढ़ेंगे उसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपसे पूछेगा एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बोलोगे, 1। लेकिन अगर आपसे पूछेगा वाई का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बोलोगे, वाई डैश, या फिर आप इसको बोलेंगे y1, या इसको बोलेंगे आप dy by dx। आया बात समझ में, हाँ। कल को आपसे किसी ने पूछा ln y का डिफरेंट बोलो, log y का पहले क्या होगा, 1 by y और फिर y का y dash। आया बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपकी बार ln y है, ln y का मतलब 1 by y और y का y dash। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपको पता चलेगा सर ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि दोनों एक साथ है, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एनसीईआरटी में लगभग क्वेश्चन में आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप जैसे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट बोलो 2x, इसका हो जाएगा 2y और फिर y का y डैश और ये हो गया 0। तो सर मुझे dy / dx चाहिए ना, हाँ, तो एक काम करो 2y और y डैश को तो रहने दो, बाकी तो उधर ले जाओ, माइनस का 2x हो जाएगा और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y डैश इक्वल हो गया माइनस x, इसका मतलब ये कि y डैश इक्वल टू माइनस x बटे y और ये जो आया इसी का नाम है dy / dx। आया बात समझ में, तो हमने यहाँ पर किसका डिफरेंट किया, इम्प्लिसिट फंक्शन का।
ठीक है, फटाफट इसको कॉपी करो, फिर से अपन देखते हैं।